नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं टीएसए न्यूज हैदराबाद। राजेंद्र नगर पीएस हदूद हसन नगर के इलाके में कार्डन सर्च किया गया, जिसमें शमशाबाद डीसीपी मिस्टर एन प्रकाश रेड्डी ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करके घर में रहने वालों के आईडी कार्ड्स और गाड़ियों के पेपर्स को चेक किया, जिसमें 25 टू व्हीलर्स के ऊपर पेंडिंग चैलेंज और पेपर मुकम्मिल नहीं थे। साथ में एक थ्री व्हीलर, एक फोर व्हीलर, दो सस्पेक्ट को हिरासत में लिया। इस कार्डन सर्च में शामिल राजेंद्र नगर एसीपी मिस्टर अशोक चक्रवर्ती, राजेंद्र नगर स्टेशन हाउस ऑफिसर मिस्टर जी सुरेश के साथ 3 इंस्पेक्टर्स और 100 पुलिस के अहदेदार भी शामिल थे। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कैसे पता चलेगा? दिल्ली में लोग आ रहे हैं, कहीं जा रहा है। आजकल क्या 4-5 हज़ार में आता है? ठीक है, लगा रहे हैं सर, लगा देना। ठीक है, हाँ जी, ओके। कब से है? 4 साल रनिंग है। 4 साल हो गया। क्या करते हैं आप? ट्रांसपोर्ट में जॉब कर रहा हूँ। इधर ही दीवान दे सुरेश सर? वैसे इधर से ही है आप जी? कौन से जिले से? यहाँ हैदराबाद से ही है प्रॉपर। अच्छा, ओनर किधर रहते हैं? ओनर में अभी बस स्टॉप है ना, जाता रहती है पार्क में। किराए पे भी दिया? नहीं सर, सब आप ही। ये दिया था बच्चों को, बड़े बड़ी बच्चों को दिया था। अच्छा, अब वो खाली करा के उनका सामान यहाँ रख लिया उन्होंने। अच्छा, अब भाई वो छोड़ के बना रहे थे, लैट्रिन बाथरूम बना रहे थे, लैट्रिन बाथरूम इधर चले गए इनको। इस गली में सीसीटीवी नहीं है? लिए साहब, या गली में सीसीटीवी? अरे बाबा, घर मेरा इधर बोल के साहब को बोल रहा हूँ मैं, इधर नहीं है सीसीटीवी। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स हसन नगर में कॉर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन किया है, जिसमें एक एसीपी, 4 इंस्पेक्टर्स और 100 पुलिस पर्सनल इसमें शामिल थे। पूरे स्पेशल पार्टीज, एआर फोर्स, आर्म्ड पार्टी, पूरा मिलके इस एरिया में हम कॉर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन किया है। अभी अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे के बाद इधर हाई अलर्ट चल रहे वास्ते कॉर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हर घर का जांच लिया है, जांच में कौन कौन रह रहे हैं घर पे, उनका पूरा आईडी कार्ड्स वगैरह चेक किया है। और ये पूरे ऑपरेशन में अभी 25 बाइक्स जिनके ऊपर चलान वगैरह है और डॉक्यूमेंट सही नहीं है, 25 बाइक्स और एक फोर व्हीलर और एक थ्री व्हीलर ऑटो और 2 सस्पेक्ट जो पिछले ऑफेंसेस में शामिल थे, वो पूरा हमने पुलिस स्टेशन लेकर जाके फिर उसके बाद जांच करके आगे कार्रवाई होगी। इस पूरा कॉर्डनेस सर्च ऑपरेशन में पब्लिक भी बहुत कोऑपरेट किया है और सीसीटीवी लगाने के लिए हम सबको भी रिक्वेस्ट कर रहा था, और इस एरिया में थोड़ा सीसीटीवी है और भी लगाने का ज़रूरत है। और इस एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स है पब्लिक के वास्ते, जैसे कि फिल्ट नीड्स का, जैसे कि ड्रेनेज का समस्या है और लाइटिंग का समस्या है और इधर पेट्रोलिंग का ज़रूरत है, वो पूरे पब्लिक के उन्होंने बोला है, वो सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स के कोऑपरेशन से वो भी सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि कॉर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन और भी सारी जगह हम करके पब्लिक में एक सेफ्टी लगाने के लिए हम एक कॉर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और भी हर जगह भी जारी रहेंगे। और हम सब पब्लिक को उनके कोऑपरेशन के लिए हम बहुत शुक्रिया करते हैं।